अधिकार होते हैं। इस एक्ट के तहत कोई भी आर्मी ऑफिसर या आर्मी बंदा जिससे चाहे जहां चाहे उसके घर में जाकर उसे पकड़ के उसे इंक्वायरी ऑफिस तक ला सकता है। तो लेकिन आज जब आर्मी ऑफिसर जाता है या आर्मी का कोई भी बंदा जाता है तो अगर कोई लड़की को देखता है अकेला तो वो रेप कर देता है, तो ये आर्मी का एक गलत इरादा है। तो वहां की जो सरकार है वो इसको हटाना चाह रही है, लेकिन इंडियन आर्मी की जो सेंट्रल कमांड है वो नहीं हटाना चाह रही, क्योंकि वो जानती है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक टेररिस्ट एरिया है, वहां पे अगर ये एक्ट हटा दिया तो फिर काम ही चलेगा। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा भ्रष्टाचार के बारे में बता सकता हूँ आर्मी के बारे में, बिकॉज वी नाउ दैट अबाउट द अदर स्कैम। आफ्टर 1999 बारी बार एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसका नाम था आदर्श बिल्डिंग, शायद बॉम्बे में। इसके तहत जो व्यक्ति आर्मी में मारे गए थे 1999 के वॉर में, उनके परिजन थे, जो परिजन थे उसमें शरण ले सकते थे, उसमें रह सकते थे, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार फैल गया एक करप्शन की तरह, जैसे कि उसमें वही बंदा रहा जो ऑफिसर से लिंक था। तो ये एक डिमेरिट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्मी कभी किसी की नेता के पक्ष में नहीं रहती, लेकिन ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। After that, I want to say why I want to join Indian Army. So there are two reasons. First of all, I want to say that कि मैं चाहता हूँ कि मैं कितना अपने आप को संयम रख सकता हूँ, मतलब जितने कम साधनों में भी अपनी अपने और अपनी टीम के लिए वर्क कर सकता हूँ एक लिमिट में रहते हुए भी। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद आने वाली जनरेशन मुझे याद रखे, और मैं सोचता हूँ कि इसमें मुझे ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे, ज्यादा कुछ करने की भावना मिलेगी। और आर्मी ही ज्वाइन क्यों करना चाहता हूँ इसका एक रीजन है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी ही जाती है फेस को वॉर करने के लिए, तो सोचता हूँ इसमें अच्छे मुझे थोड़े ऑप्शन मिलेंगे। और